हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्रेनर जसपाल जसपाल रावत। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक अनोखा वीडियो लेके, जिसमें मैंने आपको अलग अलग उम्र के पड़ाव के बारे में बताया है। दोस्तों, क्या आपको आनंद फिल्म का राजेश खन्ना का वो डायलॉग याद है? जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर आप उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। ये सच है दोस्तों, कौन कितनी उम्र लेके आया, कौन कितना जिएगा, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन इस वीडियो के द्वारा मैं आपको अलग अलग उम्र के अलग अलग पड़ाव को क्या कहते हैं, ये नॉलेज देने वाला हूं। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले है इन्फेंट। बिफोर द चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग, बच्चा बोलना शुरू करे उसके पहले की उम्र को इन्फेंट कहते हैं। इन ब्रिटिश इंग्लिश इन्फेंट इज ए टर्म अप्लाइड टू स्कूल चिल्ड्रन बिटवीन 4 to 8। ब्रिटिश इंग्लिश में 4 से 8 साल के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। उसके बाद आता है टॉडलर। 12 से 36 महीने के बच्चे को टॉडलर कहा जाता है। 12 टू 36 मंथ ओल्ड व्हेन द चाइल्ड बिगेन टू वॉक, जब वो चलने लग जाता है। उसके बाद है चाइल्ड, ए यंग ह्यूमन बीइंग फ्रॉम बर्थ टू बिफोर द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि जन्म से लेके महावारी तक की उम्र 13-14, इसे हम कहते हैं चाइल्ड। उसके बाद है टीनेज, अनडिस्प्यूटेड बिटवीन 13 and 19, यानी कि निसंदेह 13 से लेकर 19 की उम्र को हम टीनेज कहते हैं। इसे ऐसा क्यों कहते हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरा टीनेज का वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस उम्र को टीनेज क्यों कहते हैं। उसके बाद है एडल्ट, 18 से ऊपर की उम्र को हम एडल्ट कहते हैं, यानी कि अबोव 18। फिर उसके बाद की एज को हम कहते हैं मिडिल एज, 45 to 65, लेट एंड अर्ली 50s। अर्ली 50s यानी कि 50 की शुरुआत की एज है ये, और लेट 50s यानी कि अब हम 60 की तरफ बढ़ रहे हैं, उसे लेट 50s कहते हैं। 55 के नीचे वाले को अर्ली 50s कहते हैं और 55 के ऊपर वाले को लेट 50s कहते हैं। अब जो एज है ऑफिशियली हम उसे नॉन वर्किंग एज कहते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट एज, अबव 60, सीनियर सिटीजन। उसके बाद आता है सेप्टुएजेनेरियन, बिटवीन 70 and 79। अगला पड़ाव है ऑक्टाजेनेरियन, बिटवीन 80 and 89। फिर नोनाजेनेरियन, बिटवीन 90 and 99। फिर आता है सेंटेनेरियन, अबव 100, 100 साल वाले को हम सेंटेनेरियन कहते हैं। इसके ऊपर भी कुछ लोग जीते हैं, ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं
सुपर सेंटेनेरियन जो 100 साल के भी ऊपर जीते हैं, समटाइम्स हाइपरनेटेड एज सुपर सेंटेनेरियन। अंग्रेजी में लिखते वक्त कभी कभी हम सुपर और सेंटेनेरियन के बीच में हाइफन लगाते हैं। इफ समवन हु हैज लिव्ड और पास देयर 110th बर्थडे, जिसने 110 साल भी देख लिए हैं, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होते हैं। गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ विथ गुड हेल्थ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कोई आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।